ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। तो यार सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और इस कुर्बानी की ईद पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें, क्योंकि वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज। और हम लोग बहैसियत मुसलमान उनके लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो वही कि हम लोग उनकी आवाज़ बन के दूसरों तक पहुँचें। तो आज आप लोग फ़लस्तीन के लिए, जहाँ वो अपने माँ बाप, अपने बच्चों और अपने प्यारों को खो रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें, एटलीस्ट उनके बारे में दूसरों तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और सच बताऊँ तो गुज़िश्ता जो ईद थी और आज की जो ईद है वो बहुत ज़्यादा फीकी हो गई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि फ़लस्तीन में ये सब हो रहा है। लेकिन नो डाउट ईद जो है वो एक खुशी का मौका होता है, आप सल्लम ने कहा है ईद मनानी चाहिए। सो हम लोग ईद जो है वो मनाएंगे, लेकिन आप लोगों ने दुआ में ज़रूर याद रखा। तो मैं चलता हूँ, मेरे पापा जो है वो नीचे जा चुके हैं, सो उनसे ईद मिलता हूँ। और सबसे हाँ वो रहे मेरे पापा, तो यार फौजी भाई से भी मिल लेता हूँ। ओके जी, सो वी आर बैक। और हमें ये तीन प्यारे जाने मिले, बड़ा प्यारा ये आ जाते हैं। बाल कहते हैं ना, हाँ मुझे पकड़े नहीं जा रहा था वो, एक बंदा खड़ा लग गया इसको पकड़। ये बड़े प्यारे हैं, बात सुनते हैं, डरते भी हैं थोड़ा। पत्ते लिए ने और शहजादे कुछ कहा ही नहीं है यार। हमें ये कल रात को इतनी देर से मिले हैं ना, कोई 2 बजे के बाद। मैं निकला हूँ चारा हंट पे, क्योंकि रात को 2 बजे मेरे पास कोई चारा नहीं था। हम लोग जब आ रहे थे तो कोई बंदा नहीं मिला हमें। अभी मैं ना पत्ते देख रहा हूँ, खरीक के जो पत्ते होते हैं वो बकरे बहुत शौक से खाते हैं। और मैं पहले तो अपना लुकाट जो उसके पत्ते खिलाता रहा, लेकिन ये कि अब वो उन्होंने सारे ही खा दिए, 3 बकरे और दरख्त वो छोटा सा अभी ये लगा हुआ तो है, एक ढरेक ये लगा हुआ, लेकिन इसके घर के सामने लगा हुआ और वो भी बाहर घूम फिर। दिस इज़ व्हाट अ ढरेक लुक्स लाइक। अरे काफ़ी ऊंची है यार, समझ नहीं आ रही इसको तोड़ूं कैसे। ये बहुत थोड़ी है, अगर तोड़ के भी तो अभी इतना सा मालिक नियमत जो मुझे मिले, अभी देखते हैं कहीं और से भी इकट्ठा हो जाए तो उन तीनों का कुछ पेट भर जाए। वैसे हमारा इरादा तो यही है कि जल्दी कुर्बानी कर लें, क्योंकि ना गर्मी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा आई है। वो सूरज सामने निकलो, आज आज बहुत है उतारो भाई, वो फिर उतर ही गुस्सा हो वो ही खाओ। वैसे मैं तो ऑलमोस्ट ले लिया था लास्ट ईयर वाला, लेकिन पता चला पालिया यहाँ पर होगा तो ये बंद।
हैं हम लोग सारे वाइट में पिक्चर्स लेते हैं इससे पहले के पिंक रेड और ब्लू हो जाए उतर गया इसके गले ठंडा बनना है जी कपड़े रखो थोड़ी देर फिर हसन को दे दो हसन को ले लो अभी हम इन बकरों को ऐसे काटेंगे जैसे केक तो यार बॉयज रेडी यार ओवन चलो अभी हमने कहाँ जाना है यार अभी हम लोग छुरियाँ तेज करवाएंगे छुरियाँ चाहते तेज ओके लेट्स गो गर्मी ज़्यादा हो रही है काश हम लोग रियल हो सकते नहीं यार फेक ही दुनिया है ऐसे ही रहना पड़ेगा ATM आप जाए तो यार सीन ये कि हमने अभी छुरियाँ दी हैं तेज कराने के लिए और ये कि घर में पापा उमेर भाई और मेरे जो ताया अबू हैं वो बकरा ज़बह कर रहे हैं और ये कि हम लोग अल्लाह करे हमारे पहुँचने तक वो थके ना हो लेकिन ये कि जिस स्पीड से कर रहे हैं ना अंदर एसी की मदद ले एसी की मदद ये बचा था भाई इस गर्मी के मौसम अरे पैसे निकाल पहले काट दे भाई साहब गो ग्रीन गाइस यहाँ पर आपके लिए भी पैगाम है कि गो ग्रीन कभी भी अच्छा अच्छा क्यों ना हो जाए स्लश स्लश यहाँ से बंद करेगा लेते हैं लेते हैं ठीक है अस्सलाम वालेकुम मज़ा आ रहा है ईद एंजॉय कर गुड पाकिस्तान में कुछ नहीं बदला हूँ तुमने को डाल दूँ यूट्यूब पे क्या नाम है हैश रिकॉर्ड्स वो भाई भी आना चाह रहे हैं ब्लॉग में ईद मुबारक कह रहा हूँ खैर मुबारक आ जाओ तुम भी बीच में आ जाओ एंजॉय करो खैर मुबारक और बताओ यार ईद एंजॉय कर रहे हो तुम लोग क्या लिया इस दफा बक्का बैल वाह कहाँ पे रहते हैं हम चलो ठीक है तुम लोगों की मैं वीडियो डालूंगा सही है ये एक और बच्चा आया है प्यारा सा और ये अपनी स्कूटी पे आया है जरा चला के दिखाओ और हमारे स्लश भी आ गए आओ जरा उधर से सही है मजे किया है ओल्ड सिटीजन के लिए हैविंग फन यप चलो परफेक्ट क्या नाम है आपका तुम्हें भी डाल दूंगा ब्लॉग में ठीक है नाम क्या आपका बाय बाय फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई बच्चे पीछे सब तो ऐसे ही होता है अरू जवाल 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 बढ़ता ही जाता है ऐसे में शुरू में मुश्किल आती हैं आगे फिर ज़्यादा बढ़ जाती है मुश्किल कोर्स गरूर के सर नीचे यहाँ पर कुर्बानियाँ चल रही हैं
इससे नहीं जहर, इसे उससे दो पाइप जहर। रुको एक ये लो वीडियो राजा। अच्छा वो से लो साइम साइम। रगड़ा नहीं उधर भाई पुलिस ऐसे ही लिखा है वो जैसे गुरबानी के लिए लिया था नाम के यार कुर्बानी तो हो गई। लेकिन एक अब कुर्बानी का जो एक फेज होता है बॉयज का यार ये बकरा तंग कर रहे हो ये बकरा तंग गोश्त राइडर्स अब हम जा रहे हैं सबसे ज्यादा मैं जो कह रहा हूँ अरे बड़ी अच्छी बात। तो यार फाइनली वी आर डन विद कुर्बानी और सीन अब ऐसा है कि मेरे भांजे भतीजे और भतीजियाँ आ गई हैं। इधर आओ आज दिस इज मेहर माँ। हेलो से हाय। नहीं मैं नहीं। और अजान तो कल आपने देखा ही था चांद रात कह रहा था है ना। चांद रात नहीं होती बकरीद पे चांद रात पता कब होती है 10 दिन पहले। और अब हम क्या करेंगे सुई नहीं ये तो मेरा भाई है। नहीं अब हम लोग बकरा पार्टी करेंगे बारबेक्यू करेंगे। यस बारबेक्यू कलेजी नहीं हम लोग कुछ एंजॉय करेंगे ना बारबेक्यू। बकरा जो 2 बजे मिला था और आज दोपहर के 2 बजे खत्म हो गए। सो अभी थोड़ी धूप ज़्यादा है तो ये कि इंशाल्लाह जैसे ही ख़त्म होगा धूप वाला सारा सीन तो हम लोग बनाएंगे टिक्के।